खबर खंडवा जिले के पुनासा से है, जहां वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग ने एक वाहन से पुनासा सनावद रोड पर 8 क्विंटल प्रतिबंधित गोंद पकड़ी है। मुंदी वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई और ये बड़ी सफलता मिली है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, इनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र की एक गाड़ी पुरासा के बाइफल गांव आई है और उसमें प्रतिबंधित गोंद भरी हुई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने पुनासा सनावद रोड पर टोल नाके के पहले वाहन को पकड़ा और तलाशी लेने पर उसमें से 8 क्विंटल के करीब प्रतिबंधित धावड़ा की गोंद पाई गई। ये वन स्टॉप द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान हमने एक वाहन वन ग्राम बाइफल से गोंद भर के ले जा रहा था, उसका पीछा किया गया, जो बाद में टोल टैक्स सुलगांव पर रोक कर पकड़ा गया उसको, और जिसमें 2 आरोपी भी मिले हैं। और कहां से लाए हैं उसकी जांच चल रही है, उसमें और तथ्य सामने आ सकते हैं। सर लगभग कितना मूल्य होगा इसका? इसका 1 लाख के समथिंग है। 1 लाख।